नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुंगेली में 9 और बिलासपुर में 2 मरीज मिले हैं। कांकेर में भी कोरोना का 1 मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या अब बढ़कर 381 हो गई है। कोरोना का कहर लगातार जारी है, कोरोना कहर बरपा रहा है। 12 नए मरीज पूरे छत्तीसगढ़ में मिले हैं। मुंगेली में 9 मरीज मिले हैं, सबसे ज्यादा मरीज मुंगेली में मिले हैं। और अब जो आंकड़ा है कोरोना पीड़ित मरीजों का, वो बढ़कर अब 381 हो गया है। सत्या राजपूत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्या, लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, 9 मुंगेली में, 2 बिलासपुर में। जी बिल्कुल शिवम, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो दूसरे राज्य में फंसे मजदूर थे उनको राज्य में लाया गया है। आज दिनांक तक की बात करें तो लगभग 2 लाख मजदूर जो है राज्य में ये वापस लाए जा चुके हैं, तो इस तरह उनको क्वारंटाइन किया गया है। और ये गौर करने वाली बात यह है शिवम की जो छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य विभाग है, जितने भी तेजी से स्टार्टिंग में काम किया और सुर्खियों में बना रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मजदूर आते गए और क्वारंटाइन करने की बात हुई और क्वारंटाइन करने का समय आया, तो इस मोर्चे में कहीं ना कहीं विफल नजर आए। जो कि जो क्वारंटाइन हुए थे मजदूर, वो कहीं घूमते नजर आए तो यहाँ संक्रमण भी बढ़ा, तो इस तरह लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रिया सत्य जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुंगेली में 9, बिलासपुर से 2 और जिले से कांकेर से 1 कोरोना संक्रमित मिला है। 12 नए मरीजों के साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 381 हो गई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 298 हो गई है। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात को जशपुर जिले से 5 नए कोरोना मरीज पाए गए थे, जिन्हें रायगढ़ कोविड अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इससे पहले शाम को भी 3 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई। यह मरीज बिलासपुर, बलौदाबाजार और जगदलपुर से थे। प्रदेश में अभी तक 83 मरीज ठीक होने के बाद घर जा चुके हैं।